नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शर्मा जी टेक्निकल, मैं हूं गौरव और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एक विंडोज़ कंप्यूटर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं एक VPN एप्लीकेशन का, और आप कैसे अपने IP एड्रेस को बदल के जो भी लॉक्ड वेबसाइट्स हैं उनको देख सकते हैं। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था मोबाइल में कैसे यूज़ करेंगे VPN उसको लेके। तो चलिए, मुझे लगा एक वीडियो बना दी जाए आप सभी के लिए, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउज़र पर जाके आप एक गूगल का पेज खोल लीजिए और आप उस पर सर्च कीजिए बेटरनेट। तो चलिए हम सर्च करते हैं बेटरनेट। तो देखिए, जो पहला लिंक आता है आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ये आता है betternet.co का, हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन। अब जैसे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आपको कई सारे ऑप्शन दिखा देता है जिसमें विंडोज़ 7, 8 के लिए, मैक के लिए, आईफोन, आईपैड के लिए, एंड्रॉयड, मोजिला और क्रोम के लिए। तो हमको विंडोज़ वाला जो है वो डाउनलोड करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको डाउनलोड पेज पर लेके चला जाएगा। ये देखिए डाउनलोड पेज जो है वो आ चुका है और आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर। हमने डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर दिया है और डाउनलोड अभी शुरू होने वाला होगा। और ये देखिए डाउनलोड शुरू, इस पेज पर जाएंगे तो ऐसे ये देखिए ये हो गया है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड इसको ऑलरेडी कर लिया है। तो ये देखिए जो मेरा डाउनलोड का फोल्डर है ये बेटरनेट इंस्टॉलर जो है, मैं इसको खोल लेता हूँ। ये आपसे पूछता है कि इसको आप खोलना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर दीजिए और फिर जैसे आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये देखिए इंस्टॉल होने वाला है और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है इसलिए बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। और अगर आपको पीछे कुछ शोर आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ और ये इकलौता एक विंडोज़ कंप्यूटर है मेरे पास में, बाकी सभी यहाँ पे एप्पल यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो चलिए बस इंस्टॉल होने वाला है और जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, बस एक क्लिक की देखिए ये आपको बोलता है बेटरनेट हैज़ बिन सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड और हम इसको फिनिश कर देते हैं। और ये देखिए जो बेटरनेट है वो आ गया है, हम इसको ओके कर देते हैं। अभी आपसे पूछेगा जब मैं इसको कनेक्ट का ऑप्शन दबाऊँगा कि आप कौन से सर्वर पे कनेक्ट करना चाहते हैं, कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है US का, UK का या फिर फास्ट कनेक्शन का। तो देखिए बस अभी ये कनेक्टिंग आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए कनेक्ट हो चुका है, बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और आप देखेंगे तो इसका एक फेसबुक पेज खोल देता है और नीचे आपको दिखाता है यहाँ पे बेटरनेट इज़ नाउ कनेक्टेड, योर कनेक्शन इज़ सिक्योर। फेसबुक पेज से हमको कुछ मतलब नहीं है इसलिए हम इसको कर देते हैं क्लोज। और अब देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज़ माय IP, तो मैंने सर्च किया वॉट इज़ माई IP, तो आप देखेंगे जो मेरा IP एड्रेस है वो ये शो करेगा यूटा यूनाइटेड स्टेट्स का, न कि दुबई का, क्योंकि जो मेरा IP एड्रेस है वो तो दुबई का होना चाहिए। और देखिए जो मेरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम है वेस्ट होस्ट, ये मुझे नहीं पता कौन है वेस्ट होस्ट, कोई US की कंपनी होगी। और देखिए जो मेरा IP एड्रेस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 206.190, ये कुछ ऐसा है। और जैसे ही मैं इसको नीचे से खोल के यहाँ पे देखिए दिखाऊंगा तो इसमें दिखाता है जो मेरा IP एड्रेस है वो US का आता है और जो मेरा कनेक्शन का टाइम है और कितना मैंने डेटा अपलोड और डाउनलोड किया है। मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ। डिसकनेक्ट करने के बाद में जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए जो मेरा IP एड्रेस है वो बदल चुका है, जो कि ये जो है कि मेरा असली था, पहले वाला जो था वो इसने बनाया था अपना। और ये देखिए जो सिटी है दुबई, रीजन दुबई, और देखिए जो मेरा ISP है जो मेरी असली है एमिरेट्स टेलीकोम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन, जो कि सही है। आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये खोलेंगे दोबारा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये देखिए कनेक्टिंग टू इंटरनेट का साइन आता है यहाँ पर और बस 5 सेकेंड के अंदर अंदर ये कनेक्ट हो जाता है। और आप देखें यहाँ पर कनेक्टिंग आ रहा है फ़िलहाल, तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है बस फट से। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और अभी इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये आपको दिखाएगा वापस, ये देखिए वापस वेस्ट होस्ट आ गया और वापस यूटा आ गया। अब कोई भी वेबसाइट जो ब्लॉक है अगर आप उसको खोलना चाहते हैं या कुछ भी ऐसी सर्विस है, फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ में स्काइप पे बैन लगा होता है, कुछ कंट्रीज़ में व्हाट्सएप कॉलिंग पे बैन है, तो ऐसी कुछ भी चीज़ है जो आपके कंप्यूटर में है और जिस पे बैन है जो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो आपके स्कूल या कॉलेज में लगा हो या वो आपकी गवर्नमेंट ने लगाया हो, उन सबको आप आराम से देख सकते हैं और अपने इंटरनेट का भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए शर्मा जी के साथ में और आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।